गुड मॉर्निंग पाजी। हाँ गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत सुंदर। हम बहुत लेट उठ रहे हैं ना पा। हाँ? हम बहुत लेट उठते हैं, 9 बज के। पापा उठ जाते हैं, पापा जा रहे हैं मशीन पे, मैं भी ब्रश कर रही हूँ। 9 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ चाय पीने, और भाई साहब जो है गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चाय पीने, सुबह सुबह, और मैं नहा ली हूँ। सुबह सुबह गर्मा गर्म हलवा रेडी हो चुका है, ये है बिना चीनी वाला जो पापा के लिए है, तो चलिए फटाफट दे देते हैं सबको। गुड मॉर्निंग। और सब लोग हलवा ले लो अपना अपना, और मामा जी लोग को ले चलते हैं बाहर द्वार पे। योसा आप भी लीजिए, योसा लीजिए। गुड मॉर्निंग। हमारे बाल गोपाल तीनों हो गए हैं ब्रश करके रेडी। ओले बापले। पूजा जो है लड्डू तैयार कर चुकी हैं, और बाजरे का ढूढ़ी जो हम लोग बोलते हैं उसकी तैयारी है, सारी चीजें रेडी कर रही हैं। बादाम भुज के रखा चुका है, और ये ड्राई फ्रूट्स पड़ने वाला है। पाग जो है उबल रहा है। मम्मी और पूजा लगी हुई हैं ढूढ़ी बनाने में, और घी से हाथ डुबो डुबो के बन रहा है ढूढ़ी। सबसे ज्यादा मेहनत का काम है ढूढ़ी बनाना, जो पूजा और मम्मी बना रही हैं। हमारा नटखट जो है ना, अभी तक क्या खा रहा है दिखाए आपको, ये देखिए। लेकिन मैं जा रही हूँ क्या खाने, बताऊ, ये देखिए। तो मैं जा रही हूँ छत पे, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है मेरी फैमिली की फोटो लगी हुई है, और यहाँ जो इस फ्लोर में कोई रहता नहीं है, क्योंकि अभी मेरी भाभियाँ आई नहीं है, एक भाई की शादी हुई है जिनका बेडरूम नीचे है, और मम्मी का बेडरूम भी नीचे ही है, सभी लोग नीचे ही रहते हैं। अभी इस फ्लोर में कोई नहीं रहता, दो भाइयों की शादी करनी है, वो भाभियाँ आ जाएंगी तो फिर भाभियाँ ऊपर हो जाएंगी, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं रहता। और जो है ये कमरा है जिस जो पुष्पा यूज़ करती है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, ये कमरा जो है इसमें राजकुमार सुबह उठ के जिम करते हैं, डंबल वगैरह रखे हुए हैं, फिलहाल कोई रहता नहीं है। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत व्यू है इस रूम से बाहर का, मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। हम लोग आते हैं तो रहते हैं इसमें, तो फिलहाल राजकुमार का जिम का रखे हुए हैं, जो यहाँ पे आके वो जिम उम करते हैं, और बाहर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ। इस रूम से बहुत ही सुंदर व्यूज आता है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। इधर से ये है, और ये पेड़ सूख गया है क्योंकि ऊपर नीचे ही सब लोग रह जाते हैं, ऊपर अभी कोई रहता नहीं है। और इधर से इस खिड़की से भी इधर का व्यूज आता है, देख सकते हैं पुष्पा का फोटो है इसमें। वो आती हैं तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए इस रूम को यूज़ करती हैं, और इस रूम में है तो भगवान जी का है, और बाकी उधर। और ये कमरा फ्रंट पे है तो सबसे खूबसूरत व्यूज आता है, आपको इधर से भी हरियाली, और प्लस ये बालकनी का दरवाज़ा है और इधर से भी हरियाली, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग धूप खाने के लिए ऊपर, फिर उसके बाद। हाँ क्या टकले? नहीं नहीं, टकले क्यों हो जाएंगे बेटा, कौन टकला करा रहा है आपको मामा जी? ओहो हो, मत कराइए भाई, मेरे कान्हा जी टकले क्यों होंगे। तो चलिए चलते हैं धूप लेने के लिए ऊपर, क्योंकि अभी इस फ्लोर में कोई नहीं रहता, अभी मेरी भाभियाँ आई नहीं हैं, एक ही भाभी आई है तो उनका कमरा नीचे है, मम्मी का बेडरूम भी नीचे है, और इस फ्लोर में कोई नहीं रहता, पुष्पा बस पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए इस रूम को यूज़ करती हैं। चलिए ऊपर। तो
जिसमें पुष्पा की फोटो लगी हुई है और बाकी ऊपर कोई नहीं रहता क्योंकि सारे भाई बहन नहीं रहते हैं, तो मम्मी पापा ही रहते हैं, भैया और भाभी रहते हैं। तो ये कमरा ऊपर का कोई नहीं, अभी दो भाभियों की भाइयों की शादी होने वाली है, उसके बाद भाभियाँ ऊपर आ जाएंगी, तो अभी एक ही भाभी है तो वो रहती हैं, नीचे ही उनका बेडरूम है। तो चलिए छत पे चलते हैं, धूप लेते हैं, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मैं गर्मा गर्म चाय पीऊंगी धूप में बैठ के। तो आ गई हूँ मैं छत पे, बहुत ही अच्छी धूप है, अभी धूप में बैठूंगी मैं। और इधर देखिए मेरे छत से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। पापा बैठे हुए नीचे, उनकी गाड़ी निकल गई है, उनसे मिलने भी कोई आया हुआ है। और ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत है, हरियाली हरियाली। और यहाँ देखिए मेरे, हमारी मम्मी बहुत शर्माती हैं क्योंकि तो छत पे हम लोग आ गए हैं धूप खाने। कुछ बोलो मम्मी मेरे बारे में। अरे हमरा नहीं बोले आई रहे दे। व्यू कितना खूबसूरत है। अरे अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है।